दोस्तों आप सभी को हमारे इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों मैं शिवम अपने YouTube चैनल टेक्निकल शिवम पे स्वागत करता हूं। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप भी अपने Instagram अकाउंट के अंदर सिक्योरिटी सेटिंग ओपन करते हैं तो वहां पे आपको एक सेटिंग देखने को मिल जाती है ईमेल्स फॉर्म Instagram, यानी कि इस सेटिंग से क्या होता है और इसे कैसे यूज किया जाता है और इस सेटिंग के अंदर बहुत सारा आपको यहां पे ऑप्शन देखने को मिलता है। पूरा वही मैं आपको डिटेल्स में बताने वाला हूं कि आखिरकार इस सेटिंग से क्या होता है, ये आपको क्यों देखने को मिलता है, इसका क्या मतलब होता है, पूरा आपको डिटेल्स में पता चलने वाला है। तो अगर आप इस सेटिंग के बारे में डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो यह वीडियो आपको पूरा देखना पड़ेगा एंड तक। तो चलो दोस्तों आज का वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। अब यहां पे आपको करने का है अपने Instagram के अंदर आपको यहां पे देखने को मिलेगा सिक्योरिटी सेटिंग, आपको उस पर क्लिक करना है और वहां पे आपको ये सेटिंग देखने को मिल जाती है ईमेल्स फ्रॉम Instagram, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे सबसे पहले आपको यहां पे दिखा दिया जाएगा कि इसका मतलब क्या है और ये आपको क्यों देखने को मिलता है। तो अगर आप इसे रीड करना चाहते हैं तो आप यहां से रीड कर सकते हैं, नहीं तो मैं आपको यहां पे बताऊंगा कि ईमेल्स फ्रॉम Instagram, यानी कि यहां पे आपकी सारी की सारी एक्टिविटी को आपके ईमेल्स पर साझा किया जाता है, यानी कि Instagram के द्वारा आपके ईमेल्स पर सारा का सारा एक्टिविटी को शेयर किया जाता है। जैसे हम अभी आपको दिखाते हैं, यहां पे देखने को मिलेगा टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन इज ऑन, यानी कि मैंने अभी अपने Instagram के अंदर टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन मैंने अभी अभी ऑन किया है। यहां पे देखने को मिलेगा 17 मई 2021 6:22 और 8 सेकेंड PM, यानी कि शाम को अभी अभी मैंने यहां पे क्रिएट किया, यानी कि यहां पे अप्लाई किया है अपने अकाउंट के अंदर टू स्टेप वेरिफिकेशन यानी कि टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। तो यहां पे आपको देखने को मिलेगा सारा का सारा आपको यहां पे बताया जाएगा सेंड टू, यानी कि आपके ईमेल पर यह आपको प्रोसेस बताया गया है, सेंड कर दिया गया है किसके द्वारा, यहां पे बताया गया है कि आपके security.mail.instagram.ke के द्वारा आपको यह एक्टिविटी आपके ईमेल पर सेंड कर दी गई है। जितनी सारी आप अपने अकाउंट के अंदर एक्टिविटी करते हैं वो सारा का सारा Instagram आपके ईमेल पर सेंड करता रहता है अगर आप यहां पे ईमेल ऐड करके रखते हैं अपने अकाउंट के अंदर। तो यहां पे देखने को मिलेगा रिसेट योर पासवर्ड, यानी कि अभी अभी मैंने अपने मोबाइल फोन के अंदर और Instagram का पासवर्ड को रिसेट किया है तो उसकी भी यहां पे नोटिफिकेशन हमारे ईमेल के अंदर सेंड कर दी गई है। यहां पे देखने को मिलेगा यानी कि जितना सारा आप यहां पे प्रोसेस करेंगे, मैंने अपना मोबाइल नंबर चेंज किया उसकी भी नोटिफिकेशन पहुंच गई है और यहां अदर पे क्लिक करेंगे तो यहां भी आपको यही आपको इंफॉर्मेशन देखने को मिलती है। और यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ ये सिर्फ आपको 14 दिन तक यहाँ पे देखने को मिलती है, उसके बाद ऑटोमेटिक ये रिमूव हो जाती है आपके इस वाले सेटिंग से। तो अब आपको यहाँ पे पता चल गया होगा कि ईमेल्स फ्रॉम Instagram सेटिंग से क्या होता है। जितना सारा आप अपने अकाउंट के अंदर एक्टिविटी करते हैं उसकी ईमेल Instagram अपनी तरफ से आपके ईमेल पर सेंड करता रहता है ताकि आपका यहां पे ईमेल के अंदर वो सारा का सारा नोटिफिकेशन पहुंचे, ताकि ये भी पता चले कि कहीं आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं और ये पूरा का पूरा प्रोसेस आपकी सिक्योरिटी के अंदर आपके यहां पे प्राइवेसी के अंदर कोई दूसरा बंदा तो कुछ नहीं कर रहा है। तो आपको ईमेल के जरिए पता चल जाए कि आखिरकार आपके अकाउंट के अंदर क्या क्या एक्टिविटी चेंज की गई है। तो मैं आशा करूंगा आज आपको पता चल गया होगा कि आखिरकार सिक्योरिटी सेटिंग के अंदर आपको जो ईमेल्स फ्रॉम Instagram देखने को मिलता है इस ऑप्शन से क्या होता है और इसे कैसे यूज किया जाता है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।